नमस्कार, तत्काल संदेश में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा सर्किट हाउस रेप कांड का मुख्य आरोपी महंत सीताराम दास उर्फ सामर्थ त्रिपाठी साधु के चोले में समाज को धोखा देने वाले इस अपराधी के कुकर्मों की कहानियां अब सामने आ रही हैं। जानिए कैसे एक बारहवीं फेल सनकी युवक महंत बन गया। साधु का चोला ओढ़कर सत्ताधारी नेताओं और पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध बनाता गया, फिर इन संबंधों की आड़ में जुर्म की दुनिया में उसने कदम रख दिया। सुनिए रेपिस्ट महंत के अपराध की दास्तान। महंत सीताराम दास, जिसका असली नाम है समर्थ त्रिपाठी, मूल रूप से रीवा के गुड़ का रहने वाला समर्थ किशोर अवस्था से ही झगड़ालू था। उसके पिता सच्चिदानंद त्रिपाठी भोपाल में सिक्योरिटी गार्ड है, जबकि उसकी माँ टिफिन सेंटर चलाती है। दैनिक तत्काल संदेश ने जब रेपिस्ट महंत के बारे में पड़ताल की तो सामने आया कि वह गुड़ में ही गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पढ़ा हुआ है। वह बारहवीं में फेल हो गया था। गांव में उसके झगड़े होने लगे, इसके चलते माता पिता ने जैसे तैसे उसे भोपाल में दसवीं कक्षा के नंबरों के आधार पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। यहां भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। उसे उसके माता पिता भाजपा के पूर्व सांसद और श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे रामविलास वेदांती के पास ले गए, जो उसके दादा लगते हैं। हालांकि रामविलास वेदांती ने उसे दीक्षा देने और आश्रम में रहने की बात को खारिज किया है। महंत सीताराम दास को जानने वाले बताते हैं, उसे गोंडा में तिरे मनोरमा स्थित राम जानकी मंदिर का महंत बना दिया गया। यह दिन था 7 सितंबर 2020 का। इस दिन उसे महंत बनाया गया। महंत बनाने के बाद से ही उसकी निगाहें ट्रस्ट की 120 बीघा जमीन पर आ गई। उसने साथी साधु सम्राट दास के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। जमीन को लेकर गोंडा के ही अमर सिंह से विवाद चल रहा था। इसके चलते सीताराम दास ने एक प्रोफेशनल शूटर हायर किया, उसे पैसे दिए और महंत बनने के करीब एक महीने बाद ही साधु सम्राट दास पर गोलियां चलवा दी। इस साजिश में खुद सम्राट दास शामिल था। शूटर को उस जगह गोली मारने के लिए कहा गया जिससे सम्राट दास की मौत ना हो। सम्राट दास को गोली लगी, आरोप अमर सिंह पर डाला गया, लेकिन पुलिस ने महज एक सप्ताह में पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। इसके बाद महंत सीताराम दास और उसके रीवा के साथी पकड़े गए। वह जेल गया, वहां वह बदनाम हो चुका था। इसके चलते वह रीवा आ गया। यहां उसने उन लोगों के साथ मिलकर अपना प्रचार शुरू किया जो बड़े नेता अफसरों के करीबी थे। इसमें से अधिकांश अपराधी थे जो अब समाज सेवियों का चोला ओढ़े हुए थे। इसी बीच उसने रीवा सर्किट हाउस में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। सीताराम दास के बारे में यह भी बताते हैं कि रीवा में भी उसने बाइक चलाते समय किसी को टक्कर मारी थी। अयासी लड़कियों से संबंध, शराब सिगरेट और गांजा का शौकीन। पुलिस भी अब हर एंगल से पड़ताल कर रही है। सीताराम दास के बारे में पुलिस को पता लगा है उसका गोंडा में एक युवती से प्रेम प्रसंग था। जब यह मामला खुला तो खूब हंगामा हुआ, लेकिन मामला दब गया। सीताराम दास शराब और गांजे की सिगरेट का शौकीन था। यह सब उसे उसके करीबी उपलब्ध कराते थे। रामविलास वेदांती बोले, वह मेरा शिष्य नहीं रहा। भाजपा के पूर्व सांसद और श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे रामविलास वेदांती ने दैनिक तत्काल संदेश से चर्चा करते हुए कहा, मैंने जब से घर छोड़ा उसके बाद से सिर्फ दो बार गांव आया हूं। सामर्थ त्रिपाठी मेरा कभी शिष्य नहीं रहा, ना ही मुझसे दीक्षा ली, मेरे आश्रम कभी नहीं आया। वह मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहा था, लोगों से वसूली कर रहा था। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से रीवा में उनकी कथा होने वाली थी। उन्हें नहीं पता सामर्थ त्रिपाठी कब उनके नाम से अपना नाम जोड़कर प्रचार करने लगा। रामविलास वेदांती के उत्तराधिकारी डॉक्टर राघवेंश वेदांती ने दैनिक तत्काल संदेश से चर्चा करते हुए ये कहा कि कई बार ये शिकायत मिली कि समर्थ त्रिपाठी गुरुजी के नाम का दुरुपयोग कर रहा है। वह उनके नाम से बड़े लोगों से मिलता रहा। कथा के प्रचार को लेकर भी उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। गोंडा में जिस मंदिर का महंत वह खुद को बताता है, उसकी भी जिम्मेदारी उसे नहीं दी गई थी। उस पर यूपी और रीवा में आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। उसने एक संत पर गोली भी चलवाई थी क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए था। इसका खुलासा होने पर वह कुछ दिन गोंडा जेल में भी बंद रहा। समर्थ त्रिपाठी वेदांती जी के भतीजे का बेटा है, लेकिन उसे वेदांती जी से दीक्षा नहीं ली। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।